तो हम लोग ये बात एक्सपेक्ट कर रहे हैं एस बी आई से कि अब जैसे ही वो अनाउंस करें तो आप फटाफट -फड़ अपनी प्रिपरेशन तैयार कर दें लेकिन उससे पहले अगर आप तैयार हो जाएंगे तो आप एक स्टेप अहेड रहेंगे बाकी लोगों से तो ये सेशन पूरा देखिए हर एक पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि कैसे आपने आने वाले एस बी आई क्लर्क एग्जामिनेशन का आप किस तरीके से बेहतर तैयारी कर सकते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर वन बाय वन बताऊँगा हाईलाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और उसको आपको बस देखना है समझना है ईजिली आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके स्क्रीन पर अब ये हैं कि भाई ये किस तरीके का एग्ज़ाम कराता है क्या एग्ज़ाम्स होते हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे और सबके दिमाग में ये डाउट रहता है कि भाई मैं एलिजिबल हूं कि नहीं तो ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जाननी तो जैसे अगर मैं बात करूं कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन क्या है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है और ये पोस्ट जो होती है वो क्लर्कियल पोस्ट होती है जहाँ पर आपका जॉब कुछ इस तरीके से है कि आप ज़्यादातर कस्टमर सर्विसेज में इन्वॉल्व रहेंगे डायरेक्ट कांटेक्ट रहेगा आपका तो सबसे ज़्यादा सीखने को अगर कहीं बैंकिंग सर्विसेज में मिलता है तो इस पोस्ट पे मिलता है ढेर सारे लोगों से आप कनेक्ट होते हैं यहाँ तो क्लर्कियल पोस्ट रहेगी एग्जाम लेवल नेशनल लेवल पर एग्जाम होता है लेकिन भाई इसमें स्टेट का बड़ा रोल है क्योंकि हर स्टेट में जहाँ जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे वहाँ वहाँ की आपको क्या आनी चाहिए वो भाषा आनी चाहिए तो इसलिए सलेक्शन प्रोसेस की जब आप बात करोगे तो लोकल लैंग्वेज होना चाहिए अगर आप कर्नाटका से हैं तो आपको कन्नड़ आनी चाहिए अदरवाइज उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्री मेंस को क्वालिफाई करने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा ठीक है क्योंकि वो लैंग्वेज टेस्ट वहां पर लिया जाता है और अगर आप उसमें फेल तो आप फेल हो जाएंगे और फिर ऐसा क्यों किया जाता है वो भी बता देता हूं क्योंकि आपका डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है कस्टमर से यू आर द फर्स्ट फेस ऑफ द बैंक जो कस्टमर से मिलेगा और यही जब पीओ बनते हैं आप तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं होती क्योंकि आप तक आने आने वाले लोग एटलीस्ट फिल्टर्ड हो जाते हैं और वो जब आपके पास पहुंचते हैं तो एक माध्यम अंग्रेज़ी होती है जिससे आप बात कर सकते हो लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है आपका कस्टमर से और इसलिए लैंग्वेज लोकल आनी चाहिए भाई ठीक है एग्ज़ाम का मोड क्या है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन एग्जाम मतलब आपका स्पीड बहुत मायने रखेगा प्रैक्टिस ऑनलाइन ही करनी है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी अनाउंस नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अच्छी खासी वैकेंसी इस साल और अगले साल आएगी रीज़न आप सब जानते हो इसके अलावा और ये भी रीज़न है हर दस साल बाद वैकेंसीज़ की एक भरमार आती है टेन ईयर्स का एक गैप होता है जहाँ वैकेंसीज बढ़ जाती हैं तो लगातार अगर आप पीछे जाएँ तो दो हजार तेरह चौदह पंद्रह में बहुत वैकेंसीज आई थी और वो अब फिर ये कहानी यहाँ से रिपीट होगी इस साल से लेकर अगले आने वाले एक आठ साल तक एग्ज़ाम का प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है प्रिलिम्स एग्जाम्स होंगे मेंस होगा और लैंग्वेज टेस्ट यानी तीन पार्ट हैं इस एग्जाम के जो आपको क्लियर करने हैं तीनों मैंडेटरी हैं क्लियर करना और फिर क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी तो भैया ग्रेजुएशन मिनिमम ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से अदरवाइज आप इस एग्जाम को नहीं दे सकते एज एज क्राइटेरिया भी है वो आपको एग्जैक्टली exactly जब आपका नोटिफिकेशन uh, आएगा तो किस डेट से कितना एज होना चाहिए वो उस दिन पर क्लियर होगा ठीक है और फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम कितने बार होता है साल भर में ये तो एक बार होता है वन सीन ईयर है इसलिए ये बात याद रखिएगा कि मौका साल में एक बार मिलेगा उसी में चौका मारना है नोटिफिकेशन अभी रिलीज नहीं हुआ है टू बी अनाउंस्ड है लैंग्वेज जो होगी वो क्या होगी तो दो फॉर्म्स अदर लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज अभी कभी कभी आप देख सकते हैं लेकिन वैसे खास नहीं है इंग्लिश और हिंदी होती है मोस्ट प्रोबली ज़्यादातर एग्जामिनेशनस में बैंकिंग के सो लैंग्वेज ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी मोड ऑफ एग्जामिनेशन ये होगा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो प्रिलिम्स में 100 और मेंस में 190 है 100 so, सवाल यहाँ आएंगे और मेंस में 190 सवाल आएंगे क्योंकि वहाँ सब्जेक्ट भी बढ़ जाते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं प्रिलिम्स में एक घंटे का पेपर यानी साठ मिनट का पेपर होगा और यहाँ आप अगर आप देखें तो यहाँ दो घंटे चालीस मिनट का पेपर यानी कुल मिलाकर अगर आप बात करें तो जो नंबर ऑफ आवर्स हो गया वो 120 प्लस एक सौ मिनट हो गया तो एक मिनट आपको मिलेंगे कुल मिला के इस पेपर को देने के लिए आप कहाँ से इसको अप्लाई करेंगे आने वाले समय में और कहाँ आप चेक करते रहेंगे एस बी पे जाइए लगातार चेक करते रहिएगा नोटिफिकेशन वैसे हम लोग आएगा तो बता देंगे लेकिन बाकी की इंफॉर्मेशन वहां से आप लेंगे जो फॉर्मेट ऑफ प्रिलिम्स एग्जाम है वो क्या है एक बार देख लेते हैं जैसा कि सौ सवाल हमने बताया था तो सौ सवाल आएंगे जिसमें इंग्लिश के तीस सवाल तीस नंबर के न्यूमेरिकल एबिलिटी के पैतीस 35 सवाल नंबर 35 के और रीजनिंग के पैंतीस 35 सवाल पैंतीस 35 100 100 है, है, अच्छी होनी चाहिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आसान होगा पर फिर भी इतना आसान नहीं कि आप हर सवाल को देखते ही टिक मार लें टाइम ड्यूरेशन डिफाइंड है बीस 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 मिनट तीनों ही पेपर के लिए मिलेगा तो इसमें आपको थोड़ा सा स्पीड रखनी है क्योंकि जो कटअप्स होते हैं वो थोड़े हाई हायर साइड में होते हैं अगर आप देखें तो इतना तो आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा अगर पेपर टू पेपर वेरी करेगा इससे ज़्यादा भी हो सकता है कभी कभी अटैम्प्ट करना पड़ जाता है रीजन वाइज वेरी करता है और भाई हर सवाल में आपको देखिए निगेटिव मार्किंग है पॉइंट टू फाइव हर पर एक नंबर मिलेगा लेकिन गलत करोगे तो पॉइंट टू फाइव कटेगा वन पॉइंट टू फाइव कटता है, है। इसलिए तुक्का नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर होता है आता है तो सॉल्व कीजिए नहीं आता है छोड़ दीजिए ठीक है इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मेंस की मेंस में अगर आप बात करोगे तो देखो थोड़े से सवाल बढ़ जाते हैं सवाल 190 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 सवाल जनरल इंग्लिश के पूछे जाते हैं 40 नंबर में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 सवाल 50 नंबर में रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पचास सवाल साठ नंबर में रीजनिंग का महत्व समझिए यहाँ पर वैल्युएशन ऑफ मार्क्स ज़्यादा है क्वेश्चन का लेबल भी अच्छा रहता है साथ ही साथ अगर बात करें जनरल या फिर पैंतालीस तो 50 50 मिनट 50 सवाल के लिए 50 सवाल के लिए 45 मिनट जनरल रीजनिंग के लिए भी 35 मिनट मिलेगा जनरल टोटल टू आवर्स 40 मिनट का आपका पेपर का पैटर्न है का, ठीक है इसके बाद अगर बात करें तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशियंसी की बात तो मैंने करी दी वो आनी चाहिए जिस स्टेट से अप्लाई करेंगे उस स्टेट की लैंग्वेज होनी मस्ट है अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे सिंपल सी लाइन है अब वो कुछ दस इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं हर बार बच्चों को कहता हूँ कि भाई ये कर ले जाओ एग्जाम आपका आसानी से क्रैक हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको टारगेट सेट कर लेना है क्लर्क निकालना है पहला दिमाग में ये होना चाहिए मुझे ये क्रैक करना है एग्जाम टारगेट होना चाहिए सामने वो है तो आप उसकी सिलेबस को आप जानिए आपको आपका रणभूमि में आपका जो अब विरोधी है वो दिख चुका है अब उसके पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं उस हिसाब से मेरे अस्त्र शस्त्र क्या होने चाहिए वो है सिलेबस इसके अलावा उसने गत वर्षों में कितनी लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे वो जीता वो भी आपको पता होना चाहिए या हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है तो मुश्किल है इस हिसाब से आप जो युद्ध लड़ेंगे कितने दिनों तक लड़ना है कि आप जीत जाएं टाइम टेबल बहुत जरूरी है कि आप एक प्रोसेस्ड टाइम टेबल बनाएं जो आप फॉलो कर पाए ऐसा नहीं कि हमने ऐसा टाइम टेबल बना लिया कि युद्ध में खड़े ही नहीं हो पाए कभी तो भाई टाइम टेबल ऐसा हो जो कि युद्ध में आपको लगे कि हाँ मैं इससे लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा ठीक है ऐसा टाइम टेबल हो और भाई शॉर्टकट्स आने चाहिए आपको रास्ता पता होना चाहिए कि वो जो उसका राजा है उसके पास पहुंचने का ये तो लॉन्ग कट है ऐसे मार के निकले लेकिन शॉर्टकट क्या है कि एकदम जाएँ और सीधे कतल कर दें उसका ऐसा भी तरीका पता होना चाहिए तो शॉर्टकट सीखिए ट्रिक सीखिए हम लोग लगातार आपको सिखाते रहेंगे और भाई आ, रीडिंग अपनी स्पीड बढ़ाओ जितनी बढ़ा लोगे पढ़ने की स्पीड उतना आप मैथ्स जल्दी सॉल्व करोगे इंग्लिश सॉल्व करोगे रीजनिंग सॉल्व करोगे जी सॉल्व करोगे सब में भाषा का बड़ा उपयोग है उसके बिना आप जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाओगे तो जल्दी जल्दी आंसर नहीं दे पाओगे मैं हमेशा इस पर ज़्यादा फोकस रहता हूँ रीडिंग अच्छी होनी चाहिए आपकी चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो फाइन स्पीड uh, और एक्यूरेसी पर समय के साथ आप uh, फतेह पा लेंगे इमीडिएट तो नहीं हो सकता थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कंसेप्ट नहीं आएगा तो एक्यूरेसी नहीं आएगी एक्यूरेसी नहीं है तो स्पीड नहीं बढ़ेगी सिंपल सी लाइन है भाई ऐसा समझिए पैदा हुए पैर नहीं रख पाते ज़मीन पे तो पहले पैर सही से रखना सीखता है आदमी उसके बाद धीरे धीरे तेज चलता है फिर स्पीड बढ़ती है तो दौड़ना शुरू करते हैं तो पहले पैर बराबर रखने आना चाहिए दैट इज एक्यूरेसी जब ये रखने आ गया तो फिर चलना और दौड़ना धीरे धीरे आ ही जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं है फिर शॉर्ट नोट्स बनाइए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जामिनेशन के समय एक आपके पास एक ऐसा नोट्स हो जिसको आप तुरंत तुरंत तुरं तुरं रिवाइज करके सब कुछ एकदम से रिकॉल कर पाए तो जब भी आप पढ़िए तो शॉर्ट नोट्स जरूर बनाते चलिए और मॉक टेस्ट तो जड़ी बूटी है संजीवनी है सांस देती है आपको आपके प्रिपरेशन को जिंदा रखती है मॉक टेस्ट देते रहिए जितना हो सके दीजिए दिन में एक देना चाहते हैं एक दीजिए दो देना चाहते हैं कैपेसिटी जितनी है उतना मॉक टेस्ट दो सही गलत का परिणाम अभी नहीं सोचेंगे सिर्फ बैठने का कैपेसिटी बढ़ाइए वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बैठ ही नहीं पा रहे तो एग्जाम की बात कैसे कर लेंगे मॉक टेस्ट देना सीखिए और भाई गेसिंग नहीं करना कभी बैंकिंग एग्जाम है क्योंकि हर सवाल गेस पे गलत ही जाएगा ऐसा ऑप्शन बनाया गया है पांच कि आप अगर गलत बोलेंगे तो आपके आंसर्स गलत होंगे बहुत कम एक बचती है बीस मतलब अस्सी गलत होने के चांस है तो इससे अच्छा है कि हम बीस चांस ना लें छोड़ ही दें दूसरे सवालों को लगाए जिसमें हमें सही आंसर मिल रहा हो तो ये कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं जो आप सभी को फॉलो करना है और डेली फॉलो कीजिए हम लोग के क्लास शेड्यूल को जिससे कि आपको बहुत सारा फायदा मिले तो ये पूरे सेशंस आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लगातार रीजनिंग मैथ्स करेंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस एडिटोरियल और इंग्लिश की क्लास है आठ घंटे डेली यूट्यूब पर फ्री सेशन हैं देखिए और अपने आप को और इम्प्रूव कीजिए साथ ही साथ आप हम लोग के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आपको ढेर सारा प्रैक्टिस और टेस्ट मिल जाएगा मॉक टेस्ट जिसकी बात कर रहे थे आप अपनी एनालिसिस करो और अच्छे से अपनी तैयारी को और अच्छा बनाओ साथ ही साथ ये हम लोग का टेलीग्राम चैनल है इस नाम से लिंक से स्कैन करके चले जाओ क्लास के लिंक्स और पीडीएफ्स टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेंगी ऐसे सेशंस भी मिलते रहेंगे उनकी लिंक्स भी यहाँ मिलती रहेंगी तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बात समझ में आ गई होगी क्लर्क की प्रिपरेशन कैसे करनी है क्या तरीका होना चाहिए ऐसे और सेशन के लिए कीप इम बाई वी बिलीव इन यू Keep imbibing. We believe in you.